नमस्कार, आप देख रहे खबर झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। राजधानी रांची में आज आग का कहर देखने को मिला। राजधानी के अलग अलग इलाकों में आग ने अपना जमकर तांडव दिखाया है। धुरवा के जेपी मार्केट इलाके में एक शराब की दुकान में आग लग गई, तो नामकुम में पुराना थाना के पास खड़े एक ट्रक में अचानक आग लग गई। दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद किसी तरीके से आग पर काबू पाया। तो दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, रांची की ये दोनों तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दुकान में आग लगी, जबकि दूसरी तस्वीर के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक ट्रक में अचानक वहां पर आग लग गई। आगे बढ़ेंगे। चारा घोटाला मामले में आज फिर आरजेडी सुप्रीमो की कोर्ट में पेशी हुई। लालू यादव की सीबीआई की विशेष अदालत में प्रदीप कुमार की कोर्ट में हाजिरी हुई। इस दौरान सीबीआई की तरफ से हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स बीएस भटनागर की भी गवाही हुई। इसके बाद लालू ने शिवपाल सिंह की अदालत में हाजिरी लगाई। कोर्ट से जेल लौटने के दौरान लालू ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। लालू ने कहा कि ईवीएम के खेल की वजह से पूर्वोत्तर में बीजेपी की जीत हुई है। इधर बिहार में होने वाले उपचुनाव पर बोलते हुए लालू ने कहा कि सभी सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवारों की जीत होगी। चुनाव है तो चुनाव होगा, सब हम लोग सपोर्ट करेंगे। हम लोग का एमएलए तो नहीं है, लेकिन वो जो शिव सोरेन जी का पार्टी, हेमंत का पार्टी है, उसके पक्ष में कांग्रेस ने फैसला लिया है। अगला चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ने का भी फैसला लिया। अब तो ये जो बनाया है कोर्ट का मामला है, और जिनको बनाया गया है वो तो मुख्य सचिव हैं। अभी नीतीश कुमार ने एक्सटेंशन भी दिया है और उन लोगों को कोर्ट में बुलाया गया है। ये मामला को हम इस पर क्या कमेंट करें। किसी भी महान विभूतियों को, गांधी जी का भी फोटो है विदेश में, बाबा साहब अम्बेडकर, ये सब गांधी जी को भी तोड़ेगा ही लोग। हमें लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के सह पर ये सब मूर्तियां तोड़ी जा रही है, जो देश के लिए, आजादी के लिए सब लोग जो लड़े। विचार कोई भी है दुनिया में, विचार फैलता फूलता। लालू प्रसाद की पेशी के दौरान जेल में बंद लालू के सेवादार गनू उराव की पत्नी से पेशी के दौरान कोर्ट में लालू ने मुलाकात की। गनू की पत्नी सुनीता देवी कोर्ट में लालू से मिलने पहुंची थी। सुनीता ने बताया कि लालू ने उसे 1,000 रुपए दिए और कहा अपने बच्चे का ख्याल रखना। एक 1,000 रुपए दिया कि चावल लेके अच्छा से छुआ के पालना, कहे कि 1.5 साल का बच्ची है और 3 साल का बच्चा है। तो क्या कहेंगे लालू जी मुझे यहाँ है? क्या कहेंगे लालू जी को? क्या कहेंगे? ना मदद किए तो क्या करे, हमारे मदद कर रहे हैं इसलिए तो मदद किए। झारखंड में आज से मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। जैक के अध्यक्ष अरविंद सिंह ने यह कहा है कि कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षाएं हो रही हैं। आज मैट्रिक में म्यूजिक विषय की परीक्षा थी, जबकि द्वितीय पाली में इंटरमीडिएट की जियोलॉजी और म्यूजिक की परीक्षा। परीक्षा की स्थिति कैसी रही इसे लेकर जैक के अध्यक्ष अरविंद सिंह से बातचीत की जी मीडिया संवाददाता सनी शारद ने। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा आज से शुरू हो चुकी है। करीब 7.5 लाख छात्र राज्यभर के इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए जैक के चेयरमैन हैं, उनसे जानते हैं क्या कुछ खास तैयारी है और व्यवस्थाएं हैं इस बार। सर बताइए, परीक्षा शुरू हो चुकी है, आप लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं यहाँ से, क्या कुछ खास व्यवस्था और तैयारी है इस बार? जैसा आपने बताया कि 7.5 लाख परीक्षार्थी हैं, सभी जगह समय पर हमने उत्तर पुस्तिका भेज दी थी। होली छुट्टी के पहले ही सभी परीक्षा केंद्रों पर जितनी उत्तर पुस्तिकाओं की आवश्यकता थी उत्तर पुस्तिकाएं भेज दी गई। सभी जगह कोषागार में प्रश्न पत्र भी 100 समय पहुंचा दिया गया है। और एक समस्या आ रही थी, कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो मीडिया के मित्रों ने कहा
कि झांसा के पदाधिकारी लोग हड़ताल पर हैं तो परीक्षा कैसे संभव हो सकेगा कदाचार मुक्त वातावरण में। तो मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा झांसा के पदाधिकारियों को कि उन्होंने देश के लाखों बच्चे के भविष्य को देखते हुए अपना आंदोलन स्थगित रखा है मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के लिए। इसके लिए वे अभिनंदन के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। अच्छा सर, इस पर क्या कुछ खास पिछले बार से यदि तुलना करें तो व्यवस्थाएं सीसीटीवी कैमरा के अलावा? पिछले बार भी तो हम लोगों ने आपने देखा होगा कि झारखंड में ऐसी परंपरा रही है प्रारंभ से ही कि यहाँ की परीक्षाएं कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण वातावरण में होती ही हैं। इक्के दुक्के परीक्षा केंद्र पर जहां पर गड़बड़ी की शिकायत हमको मिली थी, पूरे राज्य में ऐसे 7 या 8 परीक्षा केंद्र थे जहां किसी प्रकार की अनियमितता की शिकायत मिली थी, उन परीक्षा केंद्रों को इस बार हमने परीक्षा केंद्र नहीं रखा है, उस परीक्षा केंद्र को हमने ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। हाँ, नर्वस होने का कोई कारण नहीं है। विद्यार्थियों को चाहिए कि वर्ष भर उन्होंने परिश्रम किया है, उस परिश्रम का पारिश्रमिक प्राप्त करने का ये सुअवसर उन्हें प्राप्त हुआ है, इसलिए वे पूर्ण रूप से तनाव मुक्त वातावरण में उत्साहपूर्वक परीक्षा में सम्मिलित हों, हम उनके मंगल भविष्य की कामना करते हैं। तो बिल्कुल, ये थे जैक के चेयरमैन जो छात्रों के भविष्य के मंगल कामना कर रहे हैं, और साथ ही जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो सिर्फ छात्र और छात्राओं के लिए, जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए है, इसलिए निश्चिंत होकर परीक्षा दें। और जैक अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा है कि ये परीक्षा पूरी तरह से कदाचार मुक्त हो। कैमरामैन राहुल के साथ जी बिहार झारखंड आपको अब एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहा है जिसके बाद शायद उनकी भी आंखें खुल जाएं। पत्थलगड़ी के बाद उन इलाकों में बच्चों को कैसी शिक्षा मिल रही है, इसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। झारखंड के खूंटी के पत्थलगड़ी में आसमान के नीचे क्लास लगी हुई है। मास्टर जी बोर्ड पर लिखकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो क्या पढ़ा रहे हैं देखकर आप हैरान रह जाएंगे। मास्टर जी का अंग्रेजी ज्ञान देख लीजिए। दस्तकारी अधिनियम, ई से धरती, ई से इमिग्रेंट, एफ से पिता। जरा सोचिए, क्या ऐसी पढ़ाई से बच्चे अंग्रेजी के अक्षर से अंग्रेजी शब्द सीख पाएंगे? सिर्फ यही नहीं, बच्चों को घटिया शिक्षा का एक और नमूना देखिए। देश के पहले प्रधानमंत्री के लिए अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया गया। घंटी बजाने वाला ब्राह्मण है, चाचा नेहरू चोरों का प्रधानमंत्री था। आप ही सोचिए, ऐसी शिक्षा से इन बच्चों का भविष्य कैसा होगा। हालांकि जिला के शिक्षा अधीक्षक कार्रवाई की बात कह रहे हैं। पार्टिकुलर व्यक्ति से हम लोग बैठ करके शिक्षक को पहले हम लोग समझाएं कि ढंग से। सवाल ये है कि ऐसे शिक्षकों की भर्ती कैसे हो जाती है जिन्हें ABCD का मतलब तक नहीं पता है। खूंटी जिले में पत्थलगड़ी के जरिए अमर्यादित शिक्षा की शुरुआत पर कोडरमा में शिक्षा मंत्री नीरा यादव ने साफ लहजे में कहा है कि बच्चों के भविष्य से किसी को खिलवाड़ करने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने खूंटी में आम लोगों से भी यह अपील की कि परंपरा और संस्कृति के नाम पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें। शिक्षा मंत्री नीरा यादव से इस मुद्दे पर खास बातचीत की कोडरमा से जी मीडिया संवाददाता गजेंद्र ने। खूंटी जिले में पत्थलगड़ी के जरिए कहीं न कहीं एक अमर्यादित शिक्षा की शुरुआत की गई है। इस अमर्यादित शिक्षा को रोकने के लिए शिक्षा विभाग क्या कदम उठाएगा, इसकी जानकारी देने के लिए मेरे साथ खुद मौजूद हैं राज्य के शिक्षा मंत्री डॉक्टर नीरा यादव। आइए इन्हीं से जानते हैं इस अमर्यादित शिक्षा को रोकने के लिए वो क्या कदम उठाएंगे और फिर से छुट्टी के उन स्कूलों में किस तरह से शिक्षा बहाल की जा सकेगी। मैडम, वहाँ अमर्यादित शिक्षा शुरुआत की गई है पत्थलगड़ी के जरिए, किस तरह से पहल की जाएगी कि फिर से वो जो बुनियादी शिक्षा है बच्चों में शुरू हो जाए? देखिए, अभी लगातार शिकायतें आ रही है और मीडिया के मार्फत हम लोगों को भी देखने का मौका मिल रहा है कि इस प्रकार के कई प्रकार के कार्य जो नहीं होने चाहिए वो सब हो रहे हैं। हम इसमें सभी लोगों से हम एक आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहेंगे कि बच्चे कल के भविष्य हैं, बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का कुछ अलग कानून या उनको अलग से दिग्भ्रमित करने का काम नहीं होना चाहिए।
हम चाहते हैं बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, बच्चों को संस्कारित शिक्षा मिले और इसके लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है। बच्चों को ऐसी शिक्षा मिले कि कल वो एक दूसरे के समानांतर बैठ सके। आज आप अगर गलत शिक्षा देंगे तो कल बच्चे कहीं पर जाकर के बैठ नहीं पाएंगे, वो अपने आप को वहाँ पर गिल्टी फील करेंगे, वहाँ पर अपने आप को वो सही ढंग से रख नहीं पाएंगे। अब उन मासूम बच्चों के दिमाग में आज ही हम गलत विचारधारा डाल देते हैं तो क्या उनका भविष्य संवरेगा? तो ये कहीं ना कहीं ओछी मानसिकता का प्रतीक है, हमें इससे बचने की आवश्यकता है। और हम तो ये कहना चाहेंगे कि बच्चों को ऐसे दिग्भ्रमित न करें, उनके भविष्य के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने का कोई अधिकार नहीं। ये थी राज्य के शिक्षा मंत्री का साफ कहना है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जो स्कूलों में शिक्षा है फिर से बहाल की जाएगी। गजेंद्र जी मीडिया कोडरमा। चतरा में पुलिस ने नक्सलियों की साजिश को एक बार फिर से नाकाम कर दिया है। जिले के सिमरिया थाना इलाके के सलगी गांव जाने वाले रास्ते का पुल और उसके नीचे से भारी मात्रा में विस्फोटक और डेटोनेटर बरामद किया गया। बम निरोधक दस्ते ने 200 डेटोनेटर और 200 जिलेटिन का विस्फोटक बरामद किया है। बड़ी तबाही होने से चतरा पुलिस ने बचा लिया है। झारखंड के 9 मजदूर मलेशिया में फंसे हैं। ये सभी मजदूर बोकारो के गोमिया प्रखंड के रहने वाले हैं। बंधकों ने वीडियो मैसेज के जरिए परिवार वालों से गुहार लगाई है। इसके बाद भारतीय दूतावास की कोशिश से वो छुड़ा लिए गए, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो वतन वापस लौट सकें। वीडियो मैसेज के बाद जैसे बोकारो के रहने वाले 9 मजदूरों के परिवार वालों के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई, लेकिन भारतीय दूतावास की पहल पर सभी मजदूर सुरक्षित छुड़ा लिए गए। ये सभी मलेशिया के एक कंपनी में बंधक थे, लेकिन अब तक ये वापस नहीं लौट सके हैं क्योंकि इनके पास वापसी के पैसे नहीं हैं। हम लोग झारखंड के 9 आदमी मलेशिया में फंसे हुए हैं, जिसकी प्रतिक्रिया हम लोगों ने गोमिया प्रखंड प्रतिनिधि को दिया, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं किया, कोई भी नेता अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया। झारखंड में फैला है कबूतरबाजी का जाल, गरीब मजदूरों पर दलालों की नजर, लालच के चक्कर में दलालों की पौबारा, जागरूकता की कमी का साइड इफेक्ट। मलेशिया में फंसे 11 लड़कों को दलालों ने भेजा था, लेकिन 4 महीने काम के बाद पैसे कंपनी ने नहीं दिए। 2 मजदूर किसी तरह बोकारो अपने घर वापस लौट आए, लेकिन अब भी 9 फंसे हैं। उपायुक्त ने घर वापसी का आश्वासन दिया है। लेकिन हाँ, मलेशिया के केस मेरे पास भी अभी आया था, इसके पहले उसको हमने फॉलोअप करने की कोशिश की है कि उसको करवाने का। लेकिन हाँ, जो मजदूर की बात आप बता रहे हैं कि 9 मजदूर आए हैं, समझिए यदि ऐसी कोई और इंसिडेंट वगैरह होगी तो निश्चित रूप से मैं उस पर कार्रवाई करूँगा। परेशान हाल मजदूर अपनों के बीच आज कल होंगे, लेकिन 2 रोटी की तलाश में विदेशों का रुख करने वाले मजदूरों के लिए ये सबक है। सरकार की कई योजनाएं हैं जिसके आधार पर न केवल रोजगार मिल सकता है, बल्कि खुद और परिजनों को ऐसे दर्द से बचाया जा सकता है। बोकारो से मृत्युंजय मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज महिला दिवस है और इस मौके पर झारखंड में सखी मंडल से सवर्ता झारखंड की थीम पर बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। आजीविका महिला महासम्मेलन में मुख्यमंत्री रघुवर दास भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री जी की सोच के अनुसार झारखंड सरकार ने भी तय की है कि अगर हमें झारखंड को आगे बढ़ाना होगा तो हमारी महिला शक्ति को हमें आगे बढ़ाना। मानव तस्करी और बाल विवाह के मामले में झारखंड का स्थान शीर्ष पर है। महिला दिवस के दिन उसी झारखंड से एक ऐसी साहसी बेटी की कहानी देखिए जो न सिर्फ ट्रैफिकिंग की शिकार हुई बल्कि परिवार में बाल विवाह का खुद विरोध भी किया और सैकड़ों लड़कियों को अब तक इन चंगुल से मुक्त भी कराया है। देखिए रांची से सन्नी शारद की ये रिपोर्ट।
ये बेटी साहसी है, मिसाल पेश कर रही एक बेटी, सैकड़ों बेटियों को बिकने से बचाया, खुद पीड़ित होने के बाद चला रही मुहिम। रांची से करीब 40 किलोमीटर दूर बेड़ो किसान परिवार से आने वाली रोमी 8 भाई बहन हैं। रोमी जब 9 साल की थी तो तंगहाली में जी रहे परिवार वालों ने काम के नाम पर सिमडेगा के एक परिवार के पास रोमी को बेच दिया था। बचपन से ही होनहार रोमी पढ़ना और कुछ बनना चाहती थी, लेकिन काम के बाद भी जब वहां उसे पढ़ने का मौका नहीं दिया जाने लगा तो वो वहां से भागकर घर आ गई। घर वाले ने फिर पटना के एक परिवार के पास रोमी को काम के नाम पर कुछ पैसों के लिए बेच दिया। कुछ महीने तक वहां भी रहने के बाद रोमी फिर घर वापस आ गई। घर आने के बाद परिवार वालों ने कम उम्र में ही उसकी शादी तय कर दी। घर वालों के फैसले के खिलाफ रोमी जिला शिक्षा पदाधिकारी से मिली और पढ़ने की इच्छा जताई। रोमी का नामांकन पास के ही कस्तूरबा गांधी विद्यालय में करवा दिया गया। वहां से पढ़ते हुए रोमी आज रांची तक पहुंची है और पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन कर रही है। तो मैं पुलिस बनना चाहती हूं, अगर पुलिस ना बनूं तो मैं समाज के लिए कुछ न कुछ बन के ही रहूंगी, और जिसमें बच्चों को इस मतलब कि क्या ट्रैफिकिंग बाल विवाह होने से मैं बचाऊं। रोमी की कहानी दरअसल इतना भर ही नहीं है, बल्कि इस कहानी के पीछे भी कई कहानियां छुपी हैं। क्योंकि बचपन से लेकर अब तक रोमी ने जितना दर्द सहा है उसे देखते हुए उसने ठाना है कि वह झारखंड की किसी और बेटी के साथ ऐसा नहीं होने देगी, और इसी सोच के साथ बेड़ो गांव से लेकर रांची के विकास भारती तक में रहने वाली लड़कियों के बीच रोमी लगातार मुहिम चला रही है और बेटियों को जागरूक कर रही है। सिर्फ ऐसा नहीं कि अपने माँ बाप को वो समझाई है, वो अलग अलग जगह में दूसरे दूसरे गांव में जाके यहाँ की जहाँ पे अभी रह रहे हॉस्टल में वहां भी अभी बच्चों को वो समझा रही है कि बाल विवाह होने से क्या उसका मतलब असर है। अपने जीवन से वो मतलब उदाहरण देके, अपनी दीदी का उदाहरण देके वो समझाती है बच्चों को कि बाल विवाह का क्या खराब असर है। जैसी कुछ और बेटियों ने यह मुहिम शुरू कर दिया तो जल्द ही झारखंड का सबसे बड़ा ये नासूर नेस्तनाबूत हो जाएगा और बेटियां अपने पंखों के साथ उड़ान भर पाएंगी। सनी शारद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, रांची। जमशेदपुर के ब्रह्मानंद नारायणा अस्पताल में 90% महिलाएं काम कर रही हैं। अस्पताल ने डॉक्टर से लेकर अन्य सभी कामों में महिलाओं को प्राथमिकता दी है। महिला दिवस के मौके पर भी यहां की महिलाओं के चेहरे खिले हुए हैं। महिलाओं का कहना है कि संस्थान उनके सपनों को सही रूप दे रहा है। संस्थान के डायरेक्टर का भी कहना है कि महिला सशक्तिकरण के कारण ही आज संस्थान में महिलाओं की तादाद ज्यादा है। सिर्फ हार्डवर्क, मेहनत, कड़ी मेहनत नहीं, उसमें लगन भी होना और कभी भी हतोत्साहित नहीं होना। मान ली एक दो नंबर से मेरा मार्क्स से कुछ छूट गया तो फिर नेगेटिव नहीं सोचना, वो देखना है कि हमारे में कमी कहाँ थी। उसमें लगातार निरंतर लगे रहने से सफलता जरूर और जरूर ही मिलती है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप जीवन में अगर सब कुछ करना चाहते हैं तो समय 24 घंटे ही है, तो आपको पहले ये डिसाइड करना होगा कि आप क्या करना चाहते हैं, और वो एक बार डिसीजन ले लेते हैं आप तो आप ये सोचिए कि आपको क्या चीज़ खुशी देती है। क्योंकि अगर आप सब कुछ करना चाहेंगे तो समय तो लिमिटेड है, और उस चीज़ में आप उसको लिखें, आप एक पेपर पेन पे लिखें कि ये, क्योंकि आप दिन में शायद 8 से 10 घंटे अपनी नौकरी पे रहेंगे या शायद उससे भी ज़्यादा, तो उसमें अगर आपको खुशी मिलती है तो आप ऐसे भी खुश रहेंगे। महिला पुरुषों से कमजोर नहीं है, ये बात साबित कर रही है माधुरी यादव। रांची ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड में सबसे नंबर वन अस्पताल रामप्यारी ऑर्थो हॉस्पिटल है और इसका पूरा मैनेजमेंट देखती है माधुरी। बिना किसी मेडिकल बैकग्राउंड के हॉस्पिटल का वर्षों से वो कुशल प्रबंधन कर रही हैं। माधुरी यादव का कहना है कि पहले से महिलाओं की स्थिति में काफी बदलाव आया।
यही संदेश है मेरा कि कभी भी कोई भी स्त्री अपने आप को कमजोर ना समझे, क्योंकि उनके अंदर बहुत शक्ति होती है जिनके अंदाजा उनको खुद भी नहीं होता है। परिस्थिति आने पर ही वो सामना करती है, उनको अपनी इस शक्ति का अंदाजा होता है कि उनके अंदर कितनी शक्ति छुपी हुई थी। इसीलिए कभी भी कोई स्त्री अपने आप को किसी परिस्थिति में कमजोर न समझे, मेरा यही संदेश है स्त्रियों के लिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर भोजपुरी की प्रसिद्ध गायिका देवी ने देशभर की महिलाओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा शिक्षित करने की जरूरत है। इसके साथ ही देवी ने कहा कि अच्छा जीवन जीने के लिए अच्छी सोच और जानकारी जरूरी है। देखिए, मैं महिलाओं को ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले भारत में जो महिलाओं को शिक्षित करने की जरूरत है, क्योंकि शिक्षा जब आपको मिलती है तो आपको पता होता है कि आपके अधिकार क्या है, आप अपने आप को बेहतर समझ पाते हैं। तो एक अच्छा एजुकेशन महिलाओं को जब मिलेगा तो महिलाएं आगे बढ़ेंगी, और महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ भी रही हैं। रुपया गिना लिहला पग हाधराई दिहला, रुपया गिना लिहला पग हाधराई दिहला, छेरिया के छेरिया बनवलाए बाबूजी, छेरिया के छेरिया बनवलाए बाबूजी। वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे हथकरघा से हुनरमंद हो रही हैं महिलाएं। अब बात उन्नत झारखंड की, तो मुख्यमंत्री रघुवर सरकार की योजना से झारखंड की महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। सरकार की कोशिश है कि महिलाएं हुनरमंद बने और खुद अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। इसके तहत पलामू में महिलाओं को हथकरघा की ट्रेनिंग दी जा रही है। पलामू में मुख्यमंत्री रघुवर दास की पहल महिलाओं को स्वावलंबी बना रही है। डाल्टनगंज समेत पलामू के कई इलाकों में महिलाएं हथकरघा की ट्रेनिंग लेकर कमाई कर रही हैं। झारखंड सरकार की इस पहल से सिलाई और कढ़ाई के जरिए महिलाएं अपने परिवार का खर्च भी उठा रही हैं, जिससे उनका सम्मान भी बढ़ा है। पलामू खादी बोर्ड में महिलाओं को हथकरघा की ट्रेनिंग दी जा रही है। सरकार की इस योजना से महिलाएं काफी खुश हैं। धागों को किलो के हिसाब से संस्था को देती हैं और उसके बदले में उन्हें पैसे मिलते हैं। वहाँ घर का भी काम कर लेते हैं, यहाँ पर भी कर लेते हैं, और कुछ बाहरी भी ऐसा काम होता है तो करके यहाँ पे हम लोग संभाल लेते हैं। सरकार जो दिया है तो अच्छा ही दिया है, और फिर घर का सारा काम करके यहाँ पर भी हम लोग काम निकाल लेते हैं। ट्रेनिंग में हम लोग स्टेपन मिला 1500 रुपया, अरे वैसी से हम लोग मतलब या काम कर रहे हैं, घर के भी चलाते हैं, खर्चा उर्चा 1200-1500 इसे काट लेते हैं। छोटे शहरों में महिलाओं के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। खादी ग्रामोद्योग की महिला कर्मचारी का कहना है कि यहां महिलाओं को 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद महिलाएं खुद सूत काटती हैं और विभाग को जमा करती हैं। सरकार की तरफ से यहाँ पर 3 महीना का ट्रेनिंग दिया जाता है। ट्रेनिंग के अलावा महिला यहाँ पर जो काट रही है, सूत कटाई कर रही है, अपना स्वेच्छा अनुसार वो 200, 300, 400 ग्राम अपना काटती है। महीना में कभी 1500 का या 2000 का या 1500 या 1000 जैसा टाइम निकाल के यहाँ पर आती है और अपना काम करते हुए अपना घर में चली जाती है। झारखंड सरकार की यह पहल सराहनीय है, जिससे महिलाएं स्वावलंबी हो रही हैं और झारखंड को विकसित करने में भागीदार बन रही हैं।
सरकार की कोशिश है कि अधिक से अधिक महिलाएं स्वरोजगार से जुड़ें और सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपकी पसंद पर फिर खरा उतरा जी बिहार झारखंड। लगातार 61वें हफ्ते आपने बनाया हमें नंबर वन। खबरों के मुकाबले में सबसे आगे हम। मार्केट शेयर में सबसे आगे हम। सबसे ज्यादा कवरेज हमारा। सबसे ज्यादा देर तक आपने देखा सी बिहार झारखंड। गांव से शहर तक हर जगह नंबर वन। आपका अपना चैनल जी बिहार झारखंड।